चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से शुरू किया किनारा। गुरुग्राम में बीजेपी के पोस्टरों से बराला का फोटो नदारद। गुरुग्राम में सीएम के कार्यक्रम के लिए लगाए गए हैं पोस्टर, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष बराला का फोटो गायब है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष को कोर्ट में किया गया पेश। दोनों को 25 अगस्त तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में। चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी आशीष बराला और उसके साथी आशीष से पुलिस ने की पूछताछ। देर रात तक दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया गया। नरवाना में जींद नरवाना रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का हुआ ट्रायल। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस ने किया निरीक्षण। दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन विद्युतीकरण का तीसरा चरण हुआ पूरा। चौथे चरण वाले नरवाना भटिंडा का मार्ग का विद्युतीकरण जोर शोर से जारी। फरवरी 2018 तक पूरा होगा काम। रोहतक में रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ का बयान। हरियाणा में आरटीए सचिव को हटाने के निर्णय का किया गया स्वागत। बोले, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। प्रदेश सरकार के फैसले से जनता को मिलेगी राहत। प्रदेश कर्मचारी नेता वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा, 20 अगस्त को करनाल में होने वाली महासंघ की रैली में प्रदेश से सभी कर्मचारी लेंगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा। करनाल में एक बाबा कोसी के चेले ने मारा गले में चाकू। गंभीर रूप से जख्मी बाबा को किया गया कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती। अस्पताल पर बाबा के इलाज में लापरवाही का लगा आरोप। रोहतक में हरियाणा स्वर्ण जयंती दौड़ का किया गया आयोजन। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दौड़ में लिया हिस्सा। एसपी पंकज नैन भी दिए दौड़ते दिखाई। फतेहाबाद में 113 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह सरकार से उचित मान सम्मान न मिलने से है नाराज। शादियों में झूठे बर्तन मांझकर करते थे गुजारा, अब डेरा सच्चा सौदा ने ली स्वतंत्रता सेनानी की सुध। जगह देकर बनवाया स्वतंत्रता सेनानी का घर। सरकार ने राम सिंह को कभी नहीं दिया स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा। 1964 में केंद्र सरकार ने दिया था केवल एक ताम्रपत्र। अब डेरा सच्चा सौदा ने स्वतंत्रता सेनानी की बांधी हर महीने 15,000 रुपए पेंशन।